राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के कार्यक्रम में शरीक हुए 3 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनके अप्रत्याशित ढंग से संघ के कार्यक्रम में जाने को लेकर कयासबाजी आज तक जारी है। हर कोई अपने अपने स्तर से इस मेल का मतलब निकाल रहा है। कभी राजनीति में बीजेपी की बेहद करीबी रही शिवसेना भी अपने स्तर पर इस मुलाकात के अर्थ निकाल रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया था कि कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी को संघ के कार्यक्रम में बुलाने के पीछे दिल्ली के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 2019 में होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखकर एजेंडा सेट कर रही है। शिवसेना का आकलन है कि 2019 के आम चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो यह दांव काम आ सकता है। त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर सहयोगी तैयार नहीं हुए तो फिर प्रणब मुखर्जी के नाम को आगे कर दिया जाएगा और ये सभी के लिए सर्वमान्य हो सकते हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी ANI के साथ बातचीत में यही बात कही थी कि हम मानते हैं कि संघ अभी से 2019 की स्थिति की तैयारी में जुटा है। अगर भारतीय जनता पार्टी 110 से कम सीटें हासिल करती है तो ऐसे में प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। शिवसेना की ओर से ऐसी रणनीति पर संभावना जताए जाने के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी और कांग्रेस की नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट करते हुए संजय राउत को जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि मिस्टर संजय राउत, राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद मेरे पिता फिर से सक्रिय राजनीति में नहीं आने जा रहे हैं।